इस वक्त हम मत्ता में बने हुए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब कंप्लीट हो रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमें बताया गया है कि एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है, जिसको बाजू जो है वो कटा हुआ है। जब वो रेस्क्यू कर रहे थे और आग बुझा रहे थे, उसको जो है वो जिला हॉस्पिटल लिया गया है। उसके बाजू में जो है वो कट लगा हुआ है। अभी उसका नाम जो है वो हमारे पास नहीं आया, लेकिन मैं बता दूँ कि सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है कि ये मकान में जो आग लगी थी वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में लगी और जो सेकंड फ्लोर नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है उसको बचा लिया गया है। ये मकान रंगेल सिंह भूटियाल जी का है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में अप्लाई है और सतत बॉर्डर में पोस्टिंग है। और बताया जा रहा है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगी। हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर CISF, आर्मी, पुलिस, जो NGOs है, हिलाल हेल्थ केयर है, रेड क्रॉस है और बाकी लोग भी जो है वो यहाँ पर शामिल थे। एक कलेक्टिव एफर्ट की वजह से जो है वो यहाँ पर आग बुझाई गई, जिसमें दोनों कम्युनिटीज के जो नौजवान हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब भी इस तरह के हादसा होते हैं हमारे नौजवान जो है वो आगे आगे होते हैं। चाहे वो हमने पिछले दिनों देखा किस तरह से जब छात्रों में मदरसा जला, वहाँ पर हमारे नौजवान जो है वो आगे आगे थे। तब आग जो है वो बुझा चुकी है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से मैं नाम लेना चाहूँगा ऐसे जो किश्तवाड़ इस जो फिरदौस अहमद है वो इसको लीड कर रहे थे, नाइब तहसीलदार जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो बाद में स्पॉट पर भी आए और यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा SDRF के लोग जो है वो थे, आर्मी, CISF, CRPF, तमाम लोगों की कोऑर्डिनेशन के बाद और PNG हुसैन साहब जो है वो टैंकर में पानी लेके आए थे और जो फायर ब्रिगेड जैसे ही खाली हो रहा था उसको जो है वो फिलअप कर रहे थे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो इलाका है ये सड़क के करीब था और चारों तरफ से जो है इसको जो है वो फायर गैप था और इसीलिए जो है वो आज हमें बड़ी आसानी हुई इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी करने में। और सबसे बड़ी जो बात है कि फायर कंट्रोल सर्विस जो है वो सबसे पहले पहुँचा और वक्त पर पहुँचा। अभी जो है वो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर आपको ये बिल्कुल दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी यही खुशी की बात ये है कि जो फर्स्ट फ्लोर है सिर्फ उसको नुकसान पहुँचा, जो सेकंड फ्लोर है वो बच, जो फोर्थ फ्लोर है वो बच गया है। और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने जो फायर इक्विपमेंट है, जो घर में रखे जो इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट है उनको चेक करें कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लग गया। अभी शॉर्ट सर्किट जो है वो तभी होता है जब हम घर में बिजली की चीज़ों को जो है वो रखरखाव नहीं करते। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट जो है वो 6 महीने में कम से कम एक बार कराया करें और घर में कोशिश करें कि फायर इक्विपमेंट नॉर्म जो फायर इक्विपमेंट नॉर्म थे उनको पूरा करें, वहाँ फायर इक्विपमेंट जो है वो रखें जिससे आग बुझाई जाती है, ताकि जब भी इस तरह के हादसे होंगे तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो घर से ही शुरू होता। अगर आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर होंगे उससे जो है वो आग बुझाई जा सकती है। तो हमने फायर बॉल का भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था। अभी हम लगातार बने हुए हैं और अभी जो डिफरेंट लोग थे वो इस घर को जो है वो क्लीन अप कर रहे हैं और आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।